हेलो एवरीवन, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं, मीन्स आपके पास अगर स्टेशन है, टीबीएम की वैल्यू है नॉर्थ ईस्टिंग यूटेड या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और एलिप्टिकल हाइट है, तो उसको आप डाल के अपना बेस रोर कैसे सेटअप करेंगे, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमने एक जॉब बना लिया है। अगर आपका प्रीवियस जॉब है उसमें से ही, अगर आपने टीबीएम वगैरह काम किया है उसमें ही है, तो आप आसानी से अपना यहाँ पे प्रोजेक्ट इन्फो में आके अपना जॉब यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम डिवाइस में आएंगे। सबसे पहले हम बेस को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ें रहती हैं, जैसे डाटा लिंक में आपका इंटरनल यूएचएफ रहेगा, और यहाँ पे जैसे सेट बाई एवरेज आपको यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे आप करेंगे सेट बाई पॉइंट। यहाँ पे आप BLH डाल के, अगर आपके पास BLH में है कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ पे डालेंगे, अगर आपके पास NEZ में है तो NEZ पे क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास जॉब में कोऑर्डिनेट्स हैं तो यहाँ पे इस वाले एरो पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे, अगर आपने डाटा इसमें CSV इंपोर्ट किया तो कंट्रोल पॉइंट में आपको डाटा मिल जाएगा। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं यानी आपको जॉब ओपन किया है, तो आपको यहाँ से नॉर्थिंग, ईस्टिंग और जेड तीनों मिल जाएगा। यहाँ से आप उसको चूज भी कर सकते हैं। चूज करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप मैनुअली डालना चाहते हैं तो यहाँ पे मैनुअली इनपुट कर सकते हैं जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी नॉर्थिंग, ईस्टिंग और जेड यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद हम बेस को सेट करेंगे। बेस को सेट करने के बाद यहाँ पे हमारा मशीन जो रहता है, यहाँ पे बोलता है कि बेस स्टेशन रेडी है, क्या आप रोवर को सेट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमको यस करना रहता है और बेस अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद आप रोवर में आइए, रोवर में कनेक्ट, फिर अपना जो रोवर का सीरियल नंबर रहेगा उसको हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा RTK का साउंड आ चुका है, इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। इसके बाद अगर हमको चेक करना है कि जो हमने वो कोऑर्डिनेट डाले थे तो सही थे कि नहीं, इससे पहले मैंने एक बार मशीन को सेट किया था इसलिए इसमें मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 210416439 कोऑर्डिनेट हमने डाला था। यहाँ पे 298548.67695, यहाँ पे लगभग बराबर आ रहा है हमारा कोऑर्डिनेट। सिर्फ यहाँ पे नॉर्थिंग में 1 mm कम आ रहा है, तो ये हमारे ह्यूमन एरर की वजह से 1 mm 2 mm आ जाता है। अगर हम अपना जो मशीन है बेस उसको सही से सेट नहीं करेंगे तो पॉइंट पे, इसकी वजह से थोड़ा बहुत एरर आ जाता है 1 mm 2 mm। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है जब हम सेट बाई पॉइंट करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे जो हमारा EGM फाइल लगा रहता है वो हट जाता है। जैसे प्रोजेक्ट सेटिंग में आएंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे हम डाटम, प्लान, हाइट, ग्रिड, ग्रिड में जैसे यहाँ पे हमारी लगी हुई है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे नन करके सेव कर देंगे ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लेवल आएगा वो माइनस में आने लगेगा, माइनस में आने लगेगा। तो जब अपना बेस हम सेट करते टाइम ही अपना जो EGM फाइल है वो लगा लेंगे। EGM फाइल लगाने से कैसा होगा कि आपका जो लेवल है वो MS लेवल से बराबर आने लगेगा। तो इस प्रकार से आप इसमें अपना सेट बाई पॉइंट ईजिली कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।